ये देखिए, झाड़ू लगाता देश का भविष्य, स्कूलों की सफाई करते हुए स्टूडेंट्स। आप हम अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं जिससे उनका भविष्य अच्छा हो सके, वो आगे जाकर कुछ बड़ा कर सके। एक गरीब भले ही एक टाइम की रोटी नहीं खाता, लेकिन बच्चों को इसी आस में स्कूल भेजता है कि उसके बच्चों को उन मुश्किलों का सामना ना करना पड़े जिसका उसे करना पड़ा। लेकिन अगर आपके बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के बजाय झाड़ू लगवाई जाए, उनसे साफ सफाई करवाई जाए, तो सोचिए आपके बच्चों का भविष्य कैसा होगा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आगरा के एक स्कूल से सामने आई हैं। हम आपको कुछ भी बताएं इससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, जो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। ये तस्वीरें आगरा के नेताजी सुभाष जूनियर हाई स्कूल की है। यहाँ पढ़ाई छोड़ बच्चों से सभी काम कराए जाते हैं। यहाँ बच्चों से झाड़ू लगवाई जाती है, उनसे पानी मंगवाया जा रहा है। जिन बच्चों को माता पिता एक बड़ा आदमी बनने की आस में स्कूल भेज रहे हैं, उनसे स्कूलों की बेंच साफ करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, उनसे क्लासरूम के जाले भी साफ करवाए गए। इनके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का पहला स्कूल नहीं है जहां बच्चों से झाड़ू लगवाई गई है। इससे पहले बुलंदशहर के एक स्कूल से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था। एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की एक स्टूडेंट को स्कूल में झाड़ू लगाते देखा गया था। वीडियो में एक छात्रा को हाथ में झाड़ू पकड़े फर्श की सफाई करते देखा जा सकता था। कुछ दूसरे स्टूडेंट्स इस छात्रा के आसपास खड़े थे।